एंड इट इज मिनरल है मतलब एंड इट इज अ अन्सिटुंट ऑफ हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन देखते हैं, हमेशा सबसे पहले आयरन याद आना चाहिए तो पी हो गया आयरन एंड नेक्स्ट मिनरल है बट इट इज अ कॉन्सिट्यूट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन थायरोक्सिन का मतलब क्या होता है जो टीएच होते होता है थायरॉइड हॉर्मोन जो होते हैं थारॉयड हार्मोन को वर्क करने के लिए एक मिनरल चाहिए होता है जिसका नाम होता है आयोडीन तो क्यू हो गया आयोडीन अब नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इट इज अ वाइटामिन बी बोल रहा है फर्स्ट जो डायकोम की का जो फर्स्ट पार्ट है उसका बी ऑप्शन बोल रहा है वाइटामिन तो वाइटामिन के लिए हमें थ्री को रीड करना है तो वाइटामिन है एंड ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है तो ये कौन सा वाइटामिन हो जाएगा ये हो जाएगा वाइटमिन के वाइटामिन के ऐसा वाइटामिन होता है जो ब्लड की क्लॉट करने में हेल्प करता है एंड नेक्स्ट की एक वाइटामिन है एंड हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंडी तो स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ कौन बनवाता है तो वाइटामिन डी हो गया

पहुंचाता है। अगर हमारी में से Next, बोल रहा है, Q, iodine, हमारी में नहीं बन सकता इसलिए हमें आयोडीन वाली डाइट लेनी पड़ती है आयोडीन मोस्टली में प्रेजेंट होता है सी फूड में प्रेजेंट होता है तो आयोडाइज सॉल्ट लेना पड़ता है या फिर सी फूड खाना पड़ता है बहुत अच्छे अमाउंट में तो ये हमारी बॉडी में कंस्टीट्यूट नहीं होता नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया डेफिशिएंसी ऑफ आर हो गया वाइटामिन के कॉजेज बेरी बेरी इन चिल्ड्रन विच इज इनकरेक्ट बेरीबेरी होता है वाइटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है एंड पेलाग्रा इन एडल्ट्स पेलाग्रा जो होता है वाइटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी से होता है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट बोला है एस दैट इज वाइटामिन डी हेल्प्स इन बिल्डिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन एंड इज फाउंड अबेंडेंटली इन सिट्रस फ्रूट्स सिट्रस फ्रूट्स में जो वाइटामिन बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है वो होता है वाइटामिन सी नॉट वाइटमिन डी तो इसलिए ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट क्लासिक स्टडियल से लेके नीट आईआईटी जे ई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटवर्क या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 4